वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आइसोइटिस के एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट तक स्टडी कर लिया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दैट डेवलपमेंट ऑफ व्हाट फीमेल गैमेटोफाइट एंड व्हाट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ओके, सो मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में हमने क्या पढ़ा था दैट यहाँ पे हमारे पास में ये क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर। ओके, एंड ये जो हमारे पास में माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है इसमें डिवीजन होगा एंड डिवीजन के पश्चात कितनी सेल्स बनेगी, दो। द फर्स्ट वन इज व्हाट, प्रोथेलियल सेल। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। ओके, नेक्स्ट आफ्टर ये जो हमारे पास में एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है, यह एंथ्रीडियल इनिशियल सेल दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। एक तो हमारे पास में कौन सी सेल बनेगी, फर्स्ट जैकेट सेल। एंड जो नेक्स्ट सेल हमारे पास में बनेगी वो हमारे पास में कौन सी बनेगी, सेकेंड जैकेट सेल। ओके, देन आफ्टर ये जो हमारे पास में फर्स्ट जैकेट सेल बनी है ये किसके नियर प्रेजेंट होगी, नियर टू व्हाट, प्रोथेलियल। ओके, सो ये हमारे पास में नियरेस्ट टू प्रोथेलियल सेल। ओके, एंड ये वाली जो हमारे पास में सेल है सेकेंड जैकेट सेल, ये हमारे पास में फार्देस्ट टू व्हाट, प्रोथेलियल सेल। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में ये जो सेकेंड जैकेट सेल है ये कितने जैकेट सेल का फॉर्मेशन करेगी, दो, और दैट आर व्हाट, थर्ड जैकेट सेल फार्देस्ट टू व्हाट, प्रोथेलियल सेल। ओके, ठीक है, नेक्स्ट ये जो हमारे पास में सेकेंड जैकेट सेल है ये कितने सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, दो। द फर्स्ट वन इज थर्ड जैकेट सेल एंड द अदर वन इज व्हाट, फोर्थ जैकेट सेल। ओके, देन ये जो हमारे पास में फोर्थ जैकेट सेल है ये किसका फॉर्मेशन करेगी, इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल का। सो नेक्स्ट आफ्टर ये जो हमारे पास में फोर्थ जैकेट सेल है ये फोर्थ जैकेट सेल ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू किसका फॉर्मेशन करेगी, इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। सो दिस इज व्हाट, इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। ओके, एंड ये जो हमारे पास में इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल आई है ये फर्दर किस में डेवलप्ड हो जाएगी, एंड्रोसाइट्स में। सो दीज आर व्हाट, एंड्रोसाइट्स। ओके, देन आफ्टर ये जो हमारे पास में एंड्रोसाइट्स है ये किस में मेटामॉर्फोस हो जाएगी, एंथेरोजॉइट्स में। सो दीज आर मेटामॉर्फोसिस इनटू एंथेरोजॉइट्स। ओके, सो फर्स्टली ये जो हमारे पास में मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है इसमें हमारे पास में ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर। सो दिस इज व्हाट, माइक्रोस्पोर। ओके, एंड ये जो हमारे पास में माइक्रोस्पोर है ये ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू कितने सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, दो। द फर्स्ट इज व्हाट, प्रोथेलियल सेल एंड द अदर वन इज व्हाट, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। ओके, देन आफ्टर ये जो हमारे पास में एंथ्रीडियल इनिशियल है ये कितने सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, दो सेल्स का।
द फर्स्ट वन इज फर्स्ट जैकेट सेल एंड द अदर वन इज सेकेंड जैकेट सेल. ओके, नेक्स्ट आफ्टर, ये जो हमारे पास में फर्स्ट जैकेट सेल है ये किसके नियरेस्ट प्रेजेंट रहेगी? प्रोथेलियल सेल के. ओके, एंड ये जो हमारे पास में सेकेंड जैकेट सेल है ये प्रोथेलियल सेल से फार्देस्ट प्रेजेंट होगी. ओके, नेक्स्ट, ये जो हमारे पास में सेकेंड जैकेट सेल है ये फर्दर कितने सेल्स का फॉर्मेशन करेगी? दो. द फर्स्ट वन इज थर्ड जैकेट सेल एंड द अदर वन इज व्हाट? फोर्थ जैकेट सेल. ओके, नेक्स्ट आफ्टर, ये जो हमारे पास में फोर्थ जैकेट सेल है ये फोर्थ जैकेट सेल किसका फॉर्मेशन करेगी? इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल का. ओके, नेक्स्ट, ये जो इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एंड्रोसाइट्स में. देन आफ्टर, ये जो हमारे पास में एंड्रोसाइट्स है ये किसका फॉर्मेशन करेगी? एंथेरोजॉइट्स का, जो कि बायफ्लैजिलेट मल्टीफ्लैजिलेट हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, यहाँ तक हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर लिया था. अब हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? फीमेल गैमेटोफाइट. सो यदि हम मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो मेल गैमेटोफाइट में कितनी सेल्स प्रेजेंट होगी हमारे पास में? सो मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, इसमें हमारे पास में कितनी सेल्स प्रेजेंट होगी? द फर्स्ट वन इज व्हाट? प्रोथेलियल सेल. ओके, और ये प्रोथेलियल सेल का नंबर हमारे पास में कितना होगा? एक. बिकॉज ये जो हमारे पास में प्रोथेलियल सेल है ये फर्दर डिवीजन नहीं करेगी. ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट? फोर जैकेट सेल. एंड द थर्ड वन इज व्हाट? फोर एंड्रोसाइट्स. सो ये जो हमारे पास में मेल गैमेटोफाइट है ये कम्प्लीटली कितनी सेल्स का बना हुआ है? 1 + 4 + 4. सो टोटल हमारे पास में कितनी सेल्स प्रेजेंट है? 9 सेल्स. ओके, द फर्स्ट वन इज व्हाट? प्रोथेलियल सेल. द अदर वन इज व्हाट? 4 जैकेट सेल. एंड द थर्ड वन इज व्हाट? 4 एंड्रोसाइट्स. ओके, नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो हमारे पास में क्या है? डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? फीमेल गैमेटोफाइट. सो द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. ओके, देखिए फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होगा वो किससे होगा? मेगा स्पोर से. सो फर्स्टली हमारे पास में ये क्या प्रेजेंट है? मेगा स्पोर. ओके, सो दिस इज व्हाट? मेगा स्पोर. आफ्टर देन क्या होगा? दैट ये जो हमारे पास में मेगा स्पोर प्रेजेंट है इसमें किस प्रकार के डिवीजन होंगे? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. सो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर. ओके, देन इन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के पश्चात ये जो हमारे पास में मेगा स्पोर है इसमें 30 to 50 हमारे पास में किसका डेवलपमेंट हो जाएगा? न्यूक्लियाई का डेवलपमेंट हो जाएगा. एंड ये न्यूक्लियाई कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? पेरिफ्री की तरफ. सो दीज आर व्हाट? न्यूक्लियाई दैट आर फॉर्म बाय व्हाट? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. सो ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियाई. ओके, ये हमारे पास में मेगा स्पोर का कौन सा रीजन है? एपिकल रीजन. एंड दिस इज व्हाट? बेसल रीजन. ओके, नेक्स्ट आफ्टर क्या होगा? दैट सबसे पहले जो मेगा स्पोर में सेलुलराइजेशन होगा वो कौन से पार्ट में होगा? एपिकल रीजन में. एंड ये जो हमारे पास में एपिकल रीजन है ये क्या हो जाएगा? सेलुलर. और रिमेनिंग पार्ट में क्या प्रेजेंट रहेंगे? फ्री न्यूक्लियाई. ओके, देन आफ्टर सम टाइम बाद ये जो हमारे पास में पूरा मेगा स्पोर है ये किस प्रकार का हो जाएगा? सेलुलर. ओके, मेगा स्पोर में जो ये आर्किगोनिया का डेवलपमेंट है
ये कौन से पार्ट में होगा? इस एपिकल पार्ट में होगा, एंड आर्किगोनिया इस फीमेल गैमेटोफाइट में क्या रहेंगे? एम्बेडेड. ओके, सो फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट तक क्या प्रोसेस हुई? दैट ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? मेगास्पोर. ओके, इस मेगास्पोर में किस प्रकार के डिवीजन होंगे? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के परिणाम स्वरूप बनने वाले फ्री न्यूक्लियाई का नंबर कितना होगा? 3250. एंड ये फ्री न्यूक्लियाई कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? पेरिफ्री पे प्रेजेंट रहेंगे. ओके, ऊपर वाला रीजन मेगास्पोर का कौन सा रीजन है? एपिकल रीजन. एंड ये जो हमारे पास में नीचे वाला रीजन प्रेजेंट है, ये कौन सा है? बेसल रीजन. सम टाइम बाद ये जो एपिकल रीजन है उसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा? सेलुलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा. एंड एपिकल रीजन क्या हो जाएगा? सेलुलर. एंड आफ्टर सम टाइम ये जो सेलुलराइजेशन की प्रोसेस है, ये एपिकल पार्ट टू किधर की तरफ रीच करेगी? डाउनवर्ड्स. व्हाट? बेसल पार्ट. एंड कंप्लीट हमारे पास में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट का. ओके, देन आफ्टर ये जो हमारे पास में फीमेल गैमेटोफाइट बना है, इसके ऊपर किसका डेवलपमेंट होगा? आर्किगोनिया का. एंड ये जो आर्किगोनिया है, ये फीमेल गैमेटोफाइट में क्या रहेंगे? एम्बेडेड. ओके, सो ये हमारे पास में क्या बन गया? फीमेल गैमेटोफाइट, जो कंप्लीटली क्या है? सेल्यूलर. एंड इसके एपिकल पोजीशन पे क्या एम्बेडेड है? आर्किगोनिया. ओके, अब हम देखते हैं दैट आर्किगोनिया का डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा. ओके, सो लेट्स सी द डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया. सो डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया, ओके, सो आर्किगोनिया के डेवलपमेंट में ये जो हमारे पास में फीमेल गैमेटोफाइट है, इसमें सुपरफिशियल सेल प्रेजेंट होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? आर्किगोनियल इनिशियल सेल. ओके, सो दिस इज व्हाट आर्किगोनियल इनिशियल सेल, इनिशियल सेल. ओके, देन आफ्टर ये जो हमारे पास में आर्किगोनियल इनिशियल सेल का फॉर्मेशन हुआ है, ये दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगी. द फर्स्ट वन इज व्हाट? प्राइमरी कवर सेल. एंड द अदर वन इज व्हाट? सेंट्रल सेल. ओके, सो द फर्स्ट वन इज व्हाट? प्राइमरी कवर सेल. एंड द अदर वन इज व्हाट? सेंट्रल सेल. ओके, नेक्स्ट आफ्टर ये जो हमारे पास में प्राइमरी कवर सेल है, इसमें दो वर्टिकल डिवीजन होंगे. एंड दोनों वर्टिकल डिवीजन एक दूसरे के कौन से एंगल पे होंगे? राइट एंगल्स पे. ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप कितनी नेक इनिशियल्स का फॉर्मेशन होगा? फोर नेक इनिशियल्स का फॉर्मेशन होगा. एंड वो फोर नेक इनिशियल्स फोर वर्टिकल रोज ऑफ किसका फॉर्मेशन करेगी? नेक का. ईच हमारे पास में जो नेक की रो है, उसमें कितनी नेक सेल्स प्रेजेंट रहेगी? फोर नेक सेल्स प्रेजेंट रहेगी. ओके, सो दिस प्राइमरी कवर सेल, इसमें कितने वर्टिकल डिवीजन होंगे हमारे पास में? टू वर्टिकल डिविजन्स. ओके, सो बाय टू वर्टिकल डिविजन्स, टू वर्टिकल डिविजन्स, राइट एंगल टू, राइट एंगल टू ईच अदर, कितने सेल्स का हमारे पास में फॉर्मेशन होगा? फोर नेक इनिशियल्स का. सो फोर नेक इनिशियल्स आर फॉर्म्ड. ओके, ठीक है, अब ये जो हमारे पास में फोर नेक इनिशियल्स है, ये कितनी रोज ऑफ नेक का फॉर्मेशन करेगी? फोर रोज ऑफ नेक. एंड ये किसका फॉर्मेशन करेगी? फोर रोज ऑफ व्हाट? नेक. ओके, ईच रो में, ईच नेक रो हैज फोर सेल्स, फोर नेक सेल्स. ओके, सो हमारे पास में
प्राइमरी कवर सेल में कितने वर्टिकल डिवीज़न होंगे, दो वर्टिकल डिवीज़न होंगे एंड वो दोनों वर्टिकल डिवीज़न एक दूसरे के कौन से एंगल पे होंगे, राइट एंगल पे, ओके। देन आफ्टर हमारे पास में कितने नेक इनिशियल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, फोर नेक इनिशियल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड ये जो हमारे पास में फोर नेक इनिशियल्स बनी है ये नेक सेल्स के कितने रोज का फॉर्मेशन करेगी, फोर रोज का, ओके। एंड ईच रो में कितने नेक सेल्स प्रेजेंट रहेगी, फोर नेक सेल्स, ओके। देन आफ्टर ये जो हमारे पास में सेंट्रल सेल है ये पेरिक्लिनल डिवीजन के थ्रू दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, दैट आर व्हाट, द फर्स्ट इज व्हाट, प्राइमरी कैनाल सेल एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, द फर्स्ट वन इज व्हाट, प्राइमरी कैनाल सेल एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्राइमरी वेंटर सेल, ओके। देन हमारे पास में ये जो प्राइमरी कैनाल सेल है ये डायरेक्टली किसके तरह वर्क करेगी, नेक कैनाल की तरह, सो डायरेक्टली वर्क्स एज नेक कैनाल सेल एंड ये जो हमारे पास में प्राइमरी वेंटर सेल है ये कितने सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, दो सेल्स का, द फर्स्ट वन इज वेंटर कैनाल सेल, ओके, द फर्स्ट वन इज व्हाट, ये जो हमारे पास में प्राइमरी वेंटर सेल है ये कितने सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, द फर्स्ट वन इज व्हाट, वेंटर कैनाल सेल एंड द अदर वन इज व्हाट, एग सेल, ओके। देन हमारे पास में डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम कंप्लीट, ओके। सो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास में आर्किगोनियम के डेवलपमेंट में हमने क्या देखा, दैट हमारे पास में ये जो आर्किगोनियल इनिशियल है इसने कितने सेल्स का फॉर्मेशन किया, टू सेल्स का, द फर्स्ट वन इज व्हाट, प्राइमरी कवर सेल एंड द अदर वन इज व्हाट, सेंट्रल सेल, ओके। ये जो हमारे पास में प्राइमरी कवर सेल है इसमें कितने वर्टिकल डिवीजन होंगे, दो वर्टिकल डिवीजन एंड दोनों ही वर्टिकल डिवीजन एक दूसरे के कौन से एंगल पे होंगे, राइट एंगल पे, ओके। देन आफ्टर दो वर्टिकल डिवीजन के फलस्वरूप कितनी नेक इनिशियल्स का फॉर्मेशन होगा, फोर नेक इनिशियल्स का एंड ये जो फोर नेक इनिशियल्स है ये नेक सेल की कितनी रोज का फॉर्मेशन करेगी, फोर रोज का, सो फॉर्म्ड व्हाट, फोर रोज ऑफ नेक, ओके। हर एक रो में कितनी नेक सेल्स प्रेजेंट रहेगी, फोर नेक सेल्स, कितनी नेक सेल्स, फोर नेक सेल्स, ओके। नेक्स्ट आफ्टर ये जो हमारे पास में सेंट्रल सेल है ये कितने सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, दो सेल्स का, द फर्स्ट वन इज व्हाट, प्राइमरी कैनाल सेल एंड द अदर वन इज व्हाट, प्राइमरी वेंटर सेल, ओके। नेक्स्ट आफ्टर ये जो हमारे पास में प्राइमरी कैनाल सेल है ये डायरेक्टली किसकी तरह वर्क करेगी, नेक कैनाल सेल की तरह एंड दिस वन इज व्हाट, प्राइमरी वेंटर सेल, इस प्राइमरी वेंटर सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू कितने सेल्स का फॉर्मेशन होगा, दो, द फर्स्ट वन इज व्हाट, एग सेल एंड द अदर वन इज व्हाट, वेंटर कैनाल सेल, ओके। सो आर्किगोनियम में कितने सेल्स प्रेजेंट होगी, फर्स्ट इज व्हाट, नेक कैनाल सेल, द अदर वन इज व्हाट, वेंटर कैनाल सेल एंड द थर्ड वन इज व्हाट, एग सेल, ओके। यदि हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा, देखिए ये तो हमारे पास में क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, ओके, एंड दिस इज व्हाट, आउटर वॉल ऑफ मेगास्पोर, ओके, सो दिस इज व्हाट, आउटर वॉल ऑफ मेगास्पोर, ओके,
एंड ये हमारे पास में इस फीमेल गैमेटोफाइट का जो एपिकल पोर्शन है वो तो किस प्रकार का है, सेल्युलर. सो दिस पोर्शन इज व्हाट, सेल्युलर पोर्शन. ओके, एंड जो ये नीचे वाला पोर्शन है अभी क्या है, फ्री न्यूक्लियर रीजन है. ओके, सो दीज आर व्हाट, फ्री न्यूक्लियाई. ओके, सो सेल्युलर एपिकल पोर्शन एंड दीज आर व्हाट, फ्री न्यूक्लियाई. सो दिस रीजन इज कॉल्ड व्हाट, फ्री न्यूक्लियर रीजन. फ्री न्यूक्लियर रीजन. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, ये हमारे पास में ओके, यदि हम आर्किगोनियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से आएगी. देखिए, ये हमारे पास में क्या है, आर्किगोनियम. ओके, एंड इस आर्किगोनियम के चारों तरफ कितनी रोज ऑफ नेक सेल्स प्रेजेंट है, फोर रोज ऑफ नेक सेल्स. सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड व्हाट, फोर्थ. ओके, एंड देन आफ्टर ये हमारे पास में फीमेल गैमेटोफाइट का क्या प्रेजेंट है, टिश्यू प्रेजेंट है. ओके, सो ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, नेक सेल्स. ओके, एंड दीज आर व्हाट, द टिश्यू ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. ओके, सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड व्हाट, फोर्थ. ओके, तो ये हमारे पास में फोर रोज ऑफ किसकी प्रेजेंट है, नेक सेल्स की. सो दीज आर फोर रोज ऑफ नेक सेल्स. ओके, एंड देन ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमेटोफिटिक टिश्यू. ओके, सो दिस इज व्हाट, फीमेल गैमेटोफिटिक गैमेटोफिटिक टिश्यू. ओके, एंड अंदर की तरफ हमारे पास में क्या प्रेजेंट रहेगी, नेक कैनाल सेल, देन आफ्टर वेंटर कैनाल सेल एंड जो आर्किगोनियम का बेसल स्वोलन पार्ट है वहाँ पे हमारे पास में क्या प्रेजेंट रहेगी, एग सेल. सो दिस इज व्हाट, नेक कैनाल सेल. अब यहाँ पे ये जो नेक कैनाल सेल है ये यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकती है एंड व्हाट, बाइन्यूक्लिएट भी हो सकती है. सो दिस इज व्हाट, नेक कैनाल सेल. ओके, एंड इस नेक कैनाल सेल के बाद में कौन सी सेल प्रेजेंट रहेगी, वेंटर कैनाल सेल. सो दिस इज व्हाट, वेंटर कैनाल सेल. एंड वेंटर कैनाल सेल के बाद में कौन सी सेल प्रेजेंट रहेगी, एग सेल. सो दिस इज व्हाट, एग सेल. ओके, सो दिस इज द व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर आर्किगोनियम जिसमें हमारे पास में कितने नेक कैनाल सेल प्रेजेंट रहेगी, वन नेक कैनाल सेल जो कि हमारे पास में यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकती है एंड व्हाट, बाइन्यूक्लिएट भी हो सकती है. नेक्स्ट, आफ्टर नेक कैनाल सेल के बाद में कौन सी सेल प्रेजेंट रहेगी, वेंटर कैनाल सेल. एंड आफ्टर आर्किगोनियम का जो बेसल स्वोलन पार्ट है वहाँ पे कौन सी सेल प्रेजेंट रहेगी, एग सेल. ओके, ये जो हमारे पास में नेक है इसके नेक के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट रहेगी, फोर वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल्स, टू रोज एक तरफ एंड टू रोज व्हाट, अदर तरफ. ओके, नेक्स्ट, ये जो हमारे पास में आर्किगोनियम है ये गैमेटोफिटिक टिश्यू में क्या रहेगी, एम्बेडेड. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, एम्ब्रियो. एंड उससे पहले, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले हम क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन. ओके, सो नेक्स्ट द पॉइंट इज व्हाट, फर्टिलाइजेशन. सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन, देखिए
हमारे पास में किसी भी प्रकार का टैग्डोफिटिक प्लांट हो, फर्टिलाइजेशन के लिए हमेशा वाटर क्या होता है, नेसेसरी। सो वाटर इज नेसेसरी। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हमारे पास में नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी एंड डिसइंटीग्रेट होके एक म्यूसिलेजिनस मास का फॉर्मेशन करेगी। ये जो हमारे पास में म्यूसिलेजिनस मास है, एक्चुअली ये एक कीमोटैक्टिक मास है जो किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, एंथेरोजॉइट्स को। देन आफ्टर, ये जो हमारे पास में एंथेरोजॉइट्स है, ये आर्किगोनियम के ऊपर हमारे पास में एक ऑपरकुलर सेल प्रेजेंट रहेगी, वो उस टाइम पे क्या हो जाएगी, स्प्लिट आउट हो जाएगी एंड आर्किगोनियम में जब ये नेक कैनाल सेल एंड वेंट्रल कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट हो जाएगी तो अंदर की तरफ क्या बन जाएगा, एक पैसेज का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसके थ्रू अंदर क्या एंटर करेंगे, एंथेरोजॉइट एंड एक्सेस से फ्यूज करके किसका फॉर्मेशन कर देंगे, जायगॉट का। सो नेक कैनाल सेल एनसीसी एंड व्हाट वीसीसी, वीसीसी मतलब वेंट्रल कैनाल सेल, ये दोनों क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट। ओके, डिसइंटीग्रेट। देन ये नेक कैनाल सेल एंड वेंट्रल कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट होके किसका फॉर्मेशन करेगी, म्यूसिलेजिनस मास। देन आफ्टर, ये जो हमारे पास में म्यूसिलेजिनस मास है, कीमोटैक्टिकली किसको अट्रैक्ट करेगा, एंथेरोजॉइट्स को। सो दिस म्यूसिलेजिनस मास कीमोटैक्टिकली अट्रैक्ट्स एंथेरो जॉइट्स। ओके, देन एंथेरोजॉइट्स फ्यूज विथ वॉट, एक्सेल एंड फॉर्म जाइगोट। ओके, सो एंटर्स इनटू आर्किगोनियम एंड फ्यूज विद द egg and form the zygote. Okay, so fertilization is what, complete, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा, that फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर क्या है, इसेंशियल और नेसेसरी है। नेक्स्ट आफ्टर वाटर के एंटर करते ही हमारे पास में नेक कैनाल सेल एंड वेंट्रल कैनाल सेल क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट। आफ्टर देन ये जो हमारे पास में नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल है, ये किसका फॉर्मेशन करेगी, म्यूसिलेजिनस मास का। ओके, देन ये जो हमारे पास में म्यूसिलेजिनस मास है, ये कीमोटैक्टिकली किनको अट्रैक्ट करेगा, एंथेरोजॉइट्स को। आफ्टर देन ये जो हमारे पास में एंथेरोजॉइट्स है, ये किस में एंटर करेंगे, आर्किगोनियम में एंड आर्किगोनियम की कौन से सेल के साथ में फ्यूज करेंगे, एक्स सेल के साथ में एंड किसका फॉर्मेशन कर देंगे, जाइगोट का। ओके, सो फर्टिलाइजेशन इज व्हाट, कंप्लीट। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में जो हमारे पास में जाइगोट बना है, ओके, ये जो हमारे पास में जाइगोट है, ये जाइगोट क्या है, जाइगोट स्पोरोफिटिक जनरेशन की क्या है, मदर सेल है। क्यों, बिकॉज जाइगोट ही फर्दर डिवीजन करके किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पोरोफाइट का। सो जाइगोट इज व्हाट, मदर सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। ओके, जाइगोट
फर्दर डिवीजन करके किसका फॉर्मेशन करेगा? एम्ब्रियो का। ओके नेक्स्ट आफ्टर ये जो हमारे पास में जाइगोट है ये एक्चुअली मदर सेल ऑफ व्हाट? स्पोरोफिटिक जनरेशन। ओके अब इस जाइगोट में किस प्रकार का डिवीजन होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। एंड एक ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद में जो दूसरा होने वाला डिवीजन है वो किस प्रकार का होगा? वर्टिकल डिवीजन। ओके सो एक तो हमारे पास में इसमें किस प्रकार का डिवीजन होगा? ये वाला ट्रांसवर्स डिवीजन। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास में इसमें डिवीजन होगा वो कौन सा होगा? वर्टिकल डिवीजन, जिसके परिणाम स्वरूप कितने सेल्स बन जाएगी हमारे पास में? चार सेल्स। ये हमारे पास में कौन सा डिवीजन है? ट्रांसवर्स डिवीजन। एंड दिस वन इज व्हाट? वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल डिवीजन। ओके नेक्स्ट हमारे पास में जो ये फोर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है ये कितने टायर्स में प्रेजेंट है? टू टायर्स में। ऊपर वाली जो हमारे पास में दोनों सेल्स है ये किसका फॉर्मेशन करेगी? फुट का। ओके एंड ये जो हमारे पास में नीचे वाली दोनों सेल्स प्रेजेंट है इसमें से एक बेसल सेल हमारे पास में किसका फॉर्मेशन कर देगी? एम्ब्रियोनिक लीफ का। ओके एंड ये जो हमारे पास में अदर बेसल सेल है ये किसका फॉर्मेशन कर देगी? रूट का। ओके देन आफ्टर हमारे पास में ये जो फुट का फॉर्मेशन है ये कौन से साइड में होगा? इनर साइड में। एंड ये जो हमारे पास में रूट और ये जो एम्ब्रियोनिक लीफ है ये कंपैरेटिवली टू व्हाट? आउटर साइड में प्रेजेंट रहेंगे। ओके नेक्स्ट आफ्टर फुट कौन से साइड में प्रेजेंट रहेगा? इनर। ओके एंड ये जो हमारे पास में रूट एंड एम्ब्रियोनिक लीफ है ये कौन सी साइड में प्रेजेंट रहेंगे हमारे पास में? आउटर। ओके देन आफ्टर फर्स्टली किसका इमर्जेंस होगा? लीफ का। एंड लीफ फर्स्टली किसका इमर्जेंस होगा? लीफ का। एंड लीफ किधर की तरफ निकलेगी? ऊपर की तरफ, गैमेटोफिटिक टिश्यू को व्हाट? पेनिट्रेट करके। ओके एंड नेक्स्ट आफ्टर हमारे पास में किसका फॉर्मेशन होगा? रूट का फॉर्मेशन होगा। और ये रूट किधर की तरफ इमर्ज आउट होगी? अपोजिट टू व्हाट? लीफ। ओके नेक्स्ट आफ्टर लीफ और रूट के बाद में किसका फॉर्मेशन होगा? स्टेम डिफरेंशिएशन। ओके सो स्पोरोफाइट के फॉर्मेशन में फर्स्टली हमारे पास में ये जो जाइगोट है इसमें कौन सा डिवीजन होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन। आफ्टर ट्रांसवर्स डिवीजन किस प्रकार का डिवीजन होगा? वर्टिकल डिवीजन। ओके जिसके परिणाम स्वरूप कितने प्रकार के सेल्स बनेगी? फोर टाइप्स ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ओके ऊपर वाली जो टायर की सेल्स है वो किसका फॉर्मेशन करेगी? फुट का फॉर्मेशन करेगी। एंड वो सेल्स जो नीचे वाले टायर में प्रेजेंट है उसमें से फर्स्ट बेसल सेल किसका फॉर्मेशन कर देगी? एम्ब्रियोनिक लीफ का। एंड जो हमारे पास में अदर बेसल सेल है ये किसका फॉर्मेशन करेगी? रूट का। रूट एंड जो एम्ब्रियोनिक लीफ है ये बेसल सेल से कंपैरेटिवली तो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी? आउटर पोर्शन में। एंड फुट का फॉर्मेशन करने वाली सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी? इनर साइड में। ओके नेक्स्ट आफ्टर सबसे पहले हमारे पास में किसका फॉर्मेशन होगा? लीफ का। एंड जो रूट का फॉर्मेशन होगा वो लीफ के क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। लीफ फास्टली ग्रो करती है कंपैरेटिवली टू व्हाट? रूट एंड स्टेम। सो लीफ
फास्टली ग्रोइंग कंपैरेटिवली टू टू स्टेम एंड रूट। ओके, एंड ये जो रूट का फॉर्मेशन है ये कौन से डायरेक्शन में होगा? अपोजिट टू व्हाट? लीफ। ओके, जब लीफ एंड रूट दोनों का फॉर्मेशन हो जाएगा तो एट लास्ट हमारे पास में किसका डिफरेंशिएशन होगा? स्टेम का डिफरेंशिएशन। ओके, यदि हम इसका सेलुलर डायग्राम देखें तो हमारे पास में इसका सेलुलर डायग्राम कुछ इस प्रकार से आएगा। अच्छा, ये जो हमारे पास में एम्ब्रियो बना है इसका जो बेस है वो टुवार्ड्स किसके तरफ डायरेक्टेड रहेगा? इसका जो अपेक्स है वो टुवार्ड्स बेस ऑफ व्हाट? आर्किगोनियम की तरफ डायरेक्टेड रहेगा। दैट्स व्हाई दिस एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज व्हाट? एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो, जिसमें द बेस ऑफ एम्ब्रियो द अपेक्स ऑफ एम्ब्रियो द अपेक्स द अपेक्स ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टेड टुवार्ड्स द बेस ऑफ आर्किगोनियम। ओके, सो दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज कॉल्ड व्हाट? एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये जो हमारे पास में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ है या स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हुआ है, इसके चारों तरफ गैमेटोफिटिक टिश्यू का क्या प्रेजेंट रहेगा? एक कुशन। ओके, सो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होगी। ओके, तो देखिए ये वाला जो हमारे पास में पार्ट है, ये हमारे पास में पार्ट क्या है? कॉटिलेडॉन। ओके, एंड दिस इज व्हाट? लिग्यूल। ओके, ये हमारे पास में क्या है? कॉटिलेडोनरी शीथ। ओके, एंड दिस इज वॉट? रूट। एंड ये हमारे पास में क्या है? फुट। एंड दिस इज वॉट? गैमेटोफिटिक टिश्यू। ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? गैमेटोफिटिक टिश्यू। ओके, इसके चारों तरफ ये हमारे पास में जो आवरण प्रेजेंट है ये किसका है? कवरिंग गैमेटोफिटिक टिश्यू का। एंड दिस इज व्हाट? एम्ब्रियो, जिसमें ये हमारे पास में क्या है? कॉटिलेडॉन। नेक्स्ट आफ्टर कॉटिलेडॉन लिग्यूल इज प्रेजेंट, आफ्टर देन कॉटिलेडोनरी शीथ एंड देन रूट, एंड नीचे की साइड में हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? फुट। ओके, सो हमने पहले भी बताया था दैट फुट कौन सी साइड में आ जाएगा? इनर साइड में। एंड रूट एंड ये हमारे पास में जो लीव्स कॉटिलेडॉन्स बनाएगी ये कौन से साइड में आ जाएंगे? आउटर साइड में। पूरा पार्ट हमारे पास में किस प्रकार का है? ये एक सेलुलर स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से। और ये जो हमारे पास में एम्ब्रियो है ये फर्दर किसका डेवलपमेंट कर देगा? स्पोरोफाइट का। सो आइसोइटिस में हमने किस किस की स्टडी की? फर्स्ट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, लीव्स एंड स्टेम, देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ एक्सिस, देन लीफ की इंटरनल मॉर्फोलॉजी, एंड देन व्हाट? रूट की इंटरनल मॉर्फोलॉजी। आफ्टर देन हमने स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट पढ़ा, स्पोर्स का डेवलपमेंट पढ़ा, एंड देन
डेवलपमेंट ऑफ वॉट मेल गैमिटोफाइट एंड डेवलपमेंट वॉट फीमेल गैमिटोफाइट, देन आर्किगोनियम का डेवलपमेंट, देन फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद में हमारे पास में क्या बना, एम्ब्रियो, एंड उस एम्ब्रियो ने फिर बाद में किसका फॉर्मेशन कर दिया, स्पोरोफाइट का. सो नाउ आइसोइटिस इज कम्प्लीट. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे पास में होगा फॉसिलाइजेशन. थैंक यू.